हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं अपना लोगो बना रहा था, तो मेरे को एक आइडिया है क्यों ना कि आपके सामने बनाया जाए, आपको भी पता चल सके कि मैं किस तरीके से अपना लोगो बना रहा हूँ, और इस तरीके से आपको पता भी चल जाए और मेरी वीडियो भी आपके पास तक पहुँच जाएगी। बहुत छोटा सा लोगो बनाया मैंने अपना, तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस बात की देर है, चलाएं शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन ऑन कर ली है कंप्यूटर की, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसा लोगो बना रहा था। तो चलाइए देख लेते हैं कि किस तरीके से मैं अपना लोगो बना रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने कंप्यूटर की मैं आवाज़ को बंद कर देता हूँ, और यहाँ से ये भी नीचे कर देता हूँ। ये खुला हुआ था मेरे पास एलिस्ट्रेटर, और मैंने ये लोगो अपना बना लिया है। ये देखिए, ये मेरा अपना लोगो है जो अपने मैं यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा। अगर आपको भी ऐसा ही लोगो बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो चलाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको अपने साइड में रख देता हूँ कहीं पे भी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले करना है तो रेक्टेंगल स्क्वायर बना लेना, तकरीबन एक इतना बड़ा, जितना आप मर्जी चाहे बना सकते हैं, और उसको रोटेट करवा देना। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्लिक करें, कहाँ पे, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो रोटेट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देंगे 45 डिग्री पे हमें इसको रोटेट करवाना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे प्रूफ पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आएगा, और यहाँ से ओके कर लीजिएगा सिंपल। ठीक हो गया। अब मूव टूल ले लें। अब इसके हमें लेनी है कॉपी, लेकिन अगर आप एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे भी कॉपी भी है और पेस्ट एंड फ्रंट भी है, लेकिन हम सिंपल काम करते हैं। इसको करा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ से, क्या हो गया, आपकी कॉपी भी आ गई और पेस्ट भी हो गई है। अब ऑल्टर एंड शिफ्ट के साथ इसको आप थोड़ा सा मूव करवाएं तो ये सारी जगह से मूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसका कलर जो है नल कर देता हूँ, और स्ट्रोक दे देता हूँ सिंपल कोई सा भी, इस पे भी यही कर देता हूँ। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक का तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके भी हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करके कॉपी ले लेंगे, इसको भी अब हम छोटा कर लेंगे। ठीक हो गया। इतना करने के बाद अब आपको जो करना है वो ये काम है। देखिए, पेन टूल लेना और यहाँ पे क्लिक करना है, एंड एक यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, पेन टूल दोबारा से लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है, और शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे क्लिक करना है। एक लाइन ये बन चुकी है। और अब आपको क्या करना है, पहले आपको ये पूरी फिगर सिलेक्ट कर लेनी है, एंड शेप बिल्डर टूल ले लेना है, और यहाँ से कोई सा भी कलर ले लीजिएगा, चूज जो आपको लेना हो। और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। मेरे को ये चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये अलग नहीं हुआ। तो अगर ये अलग ना हो तो एक और सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सीजर ले लें यहाँ से, और यहाँ से आप काट दिएगा, कोई मसला नहीं आने वाला। मूव टूल ले लें, पहले इसको हटाना अब यहाँ अपनी इसकी जगह से, एंड सीजर ले लें, सी से आएगी शायद, जी सी से ही आ रही है। एक इस डॉट पे क्लिक कर दें, एक इस डॉट पे। ठीक हो गया। एंड एक इस डॉट पे, एक इस डॉट पे। अब मैं इसको हटा के देखता हूँ, शायद बढ़िया।
बड़ा ही बीट है। नहीं अच्छा देगा यार, ये क्यों नहीं हटेगा। शेप बिल्डर टूल है, हटी है शायद। हाँ हटी, आप इसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट के साथ आप इसको सिलेक्ट कर लिएगा, इसको लिए हैं बाहर, बाकी सारा कचूमर आप डिलीट कर दें। ठीक हो गया। अब आप मैं कंट्रोल प्लस करके आपको दिखा देता हूँ, इसका जो स्ट्रोक है इसको आप नल कर दें। बस कलर आप एक जैसा रखना चाहें तो एक जैसा रख सकते हैं। और अब आपको करना है यहाँ पे सिंपली एक स्क्वायर बनाने ला है, कुछ शिफ्ट के साथ बनाना चाहें तो बना लिएगा। ठीक हो गया। एंड एक छोटा सा यहाँ पे बना लिएगा और इसको रोटेट करवाते हैं 90 डिग्री पे, देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, कॉपी एंड 90 डिग्री पे हमने इसको रोटेट करवा दिया एंड इसकी अलाइन कर देते हैं अब इसको। सही है। अब पाथफाइंडर खोलेंगे शिफ्ट कंट्रोल F9 से, और ये वाला नहीं, सारे दबा के चेक कर लेता हूँ किस साइड पे। भैया जी हटता तो इसी से ही है, हट गया। ये वाला है देख लिया आपने, ये वाला है। ठीक हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको उठा के रख देते हैं यहाँ। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो छोटा कर लिएगा शिफ्ट के साथ। मैंने अपने लोगों का अब टाइटल दे देना है, कुछ भी जो आपको पसंद है। जैसे मैं हूँ, मेरा मेरा जो लोगो है, मैं अपने लोगो का जो भी टाइटल लेना चाहूँ दे सकता हूँ। जैसे मैं लोगो लोगो बल्कि नहीं, इसको डिलीट करें। ठीक है। और आप यहाँ पे टाइप करें सबसे पहले अपना नाम, जो भी आपका नाम है। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे छोटा, मूव टूल ले लें, सॉरी इसमें आप वी नहीं दबाइएगा क्योंकि फिर वी दबाएंगे तो आपके पास वी लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ से आप शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लें, शिफ्ट एंड ऑल्टर के साथ। और सबसे पहले इसको आप रख दें बीच में, अब हम लिखेंगे कुछ भी टाइटल अपने बारे में। मैं जैसे लिख देता हूँ यह है लोगो डिजाइन, तो लिख देता हूँ लोगो डिजाइन, सॉरी अब पाथ फाइंडर का कुछ काम नहीं है। ठीक हो गया।
अब हम इसको ऑल्टर एंड शिफ्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे, कंट्रोल प्लस, और इसको हम रख देंगे यहाँ। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले को अब हम छोटा कर देंगे थोड़ा सा और, ऑल्टर एंड शिफ्ट के साथ इसको भी ऊपर ले आते हैं। और अब लास्ट में ये जो नीचे लाइन जो बनी हुई है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन पेंसिल ली आपने, और पेंसिल लेनी है पेंसिल, इसको ऐसे लाके ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा दिएगा, और यहाँ से इसका ब्रश आप कर दिएगा सबसे पहला वाला विथिंग प्रोफाइल 1, ये कर देंगे। ये देखें ऐसा हो जाएगा कर। आप इसका स्ट्रोक और बढ़ा दें थोड़ा सा, तकरीबन 5 सही है। पेंसिल टूल में जाने के बाद स्मूथ टूल आएगा, वहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिएगा, सिलेक्ट करेंगे तभी स्मूथ होगा वरना फिर नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब हमें बनानी है इसके ऊपर ऐसा कुछ डिजाइन। अब V दबा के डायरेक्ट मूव टूल आ जाएगी मेरी, ऑल्टर एंड शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पे ऑल्ट के साथ खींचूंगा फिर शिफ्ट क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगी एक और इसकी कॉपी। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं इसका थोड़ा सा कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं ये रख सकता हूँ, और V क्लिक करके इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो इसका ये रख सकता हूँ, लेकिन ये स्ट्रोक में हम इसको नल में करते हैं। ठीक हो गया। देखें, ये वैसे मैंने ऐसे बनाया लेकिन ये तो मैं अपनी प्रोफाइल पे लगाऊंगा, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ इसको भी बड़ा कर देता। सॉरी, शिफ्ट अब देखते हैं कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है। हाय एवरीवन, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देंगे। मैं अपना बना रहा था फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये वाली वीडियो शेयर की जाए, ये वाला लोगों शेयर किया जाए कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप भी ये बना सकें आसानी से। तो चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।